क्या है कि जब कोलाइटिस पीक पे था और अभी भी रिसेंटली 2 साल पहले तक हर आधे 1-1.5 घंटे में वॉशरूम जाना ही पड़ता था, बिकॉज अल्सर है और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होते न्यूट्रिएंट्स, सो डायरियटिक पोजीशन रहती है। बट स्लोली लास्ट 8-10 साल में एवरी ईयर 2-3% कम होता गया है। नाउ ऑलमोस्ट इट इज़ डन। टेस्ट मैंने कराया नहीं बिकॉज द सिम्टम्स आर माई टेस्ट, और टेस्ट में तो क्या कोलोनोस्कोपी है और इसके सिम्टम्स जिसको होता है उसको मालूम है भैया। 19 ईयर्स में मैंने स्टार्टिंग के 10 साल में बहुत झेले हैं, और अभी स्लोली स्लोली जब ये डाउन जा रहा है तो उसके मुझे गुड इम्पैक्ट्स दिख रहे हैं, बिकॉज आपका जो ड्यूरेशन बिटवीन द लास्ट कोलोन मूवमेंट है और अभी का करंट का कोलोन मूवमेंट है आपको ड्यूरेशन दिखता है। जब एक टाइम में ये आधा घंटा था शुरू में, डिफरेंस बिटवीन वन बाउल मूवमेंट एंड द सेकेंड वॉज हाफ एन आवर, ये 10 साल लगे मुझे इसको 1.5-2 घंटा लाने में। रात को नींद आती थी तो 2-2.5 घंटे उठना पड़ता था, सो ऑलमोस्ट 15 साल मेरी नींद 2-3 घंटे की कंटिन्यूस रही, फिर उठो वॉशरूम जाके आओ। जब मैं वापस सोने की कोशिश करता था तो मेरी प्रॉब्लम है यार, एक बार उठ गए तो 1-1.5 घंटे नींद नहीं आती। ऑफिस भी जाना है सुबह 8 बजे, रात को सो रहे हो 11-12 बजे क्योंकि ऑफिस है, रूटीन है, काम है, फैमिली है, शॉपिंग है, बच्चे हैं, स्कूल है, खुद की भी स्टडीज़ कर रहा था, MBA किया मैंने फिर इसी बीमारी के साइकिल में। आई डिड नॉट स्टॉप माई एक्टिविटीज़ ऑनेस्टली, बीमारी एक साइड रखी है और काम एक साइड रखा है। मेरे जैसे आदमी 20 बार डायरिया भी दिन में हो रहा है लेकिन काम नहीं छोड़ा। दैट वॉज द बेस्ट पार्ट यार, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, और आज 2% ऑफ द प्रॉब्लम यहाँ पर है। सो अल्सर इज ऑन द लेफ्ट साइड, इट इज़ ऑलमोस्ट 50 सेंटीमीटर, वॉज 50 सेंटीमीटर, अब कितना मुझे नहीं मालूम। 18 गोलियाँ दिन की थी, 10 साल चली। स्लोली एवरी ईयर मैं 1-2 गोली ड्रॉप करता गया और आज सिर्फ 2 गोली लेता हूँ, बिकॉज डॉक्टर ने कहा है कि इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है, आपको दवाई लेनी पड़ेगी लाइफ टाइम। उनकी बात काटना नहीं चाहता। मैसा कोल 1200 बोली है, मैं सिर्फ 800 ले रहा हूँ, बोलना मत उनको। समवेयर सिम्टम्स आर द मेन प्लेयर्स। अगर आप कुछ नहीं कर रहे बैठे हो और आपको गैस्ट्रो और इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स है तो यू आर एट अ 10 times रिस्क। मूवमेंट करोगे तो आपके जो रेक्टस एब्डोमिनस है, जो आपके ऑब्लिक्स है, इसके सारे मसल्स आपके इंटेस्टाइन को हेल्प करते हैं टू एब्जॉर्ब ऑल दोज न्यूट्रिएंट्स। खाली इंटेस्टाइन के भरोसे भी एब्जॉर्प्शन छोड़ दो और एब्जॉर्प्शन को लेके आ जाओ मस्कुलर लेवल पर। दीज मसल्स विल हेल्प यू टेक द जूस आउट ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन विल गेट अ सपोर्ट एंड देन इट विल स्टार्ट हीलिंग। सो दैट इज द पावर ऑफ योर माइंड। माइंड कैन हील एवरीथिंग बट यू हैव टू डू। डिसिप्लिन से करो और थोड़ा अपना अंतर्ज्ञान लगाओ। ये नॉलेज देने के लिए ना मेरे पास कोई था ना आज भी कोई है जो इंटेस्टाइन की जो प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोई कुछ भी बोलता है, क्योंकि नोबडी नोज, नोबडी हैज गॉन द वे ऑफ 18 ईयर्स लाइक आई हैव डन। आई हैव नॉट सीन एनीवन विद अल्सरेटिव कोलाइटिस हु हैज मेड दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट विदाउट मेडिसिन। माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू सच पीपल, बिकॉज अनजाने रस्ते में अंधेरे में भटक जाओ और तुमको 100 किलोमीटर चलना है, यू डोंट नो कि थार डेजर्ट में कहाँ खोयो, राइट जाऊँ लेफ्ट जाऊँ, अप टू 30 बॉल मूवमेंट्स भी रहे बट कभी नेगेटिव नहीं सोचा अपने बारे में कि कुछ नेगेटिव हो जाएगा लाइफ में। आज मैं इस पोजीशन पे हूँ, अभी मैं 2 घंटे जॉगिंग और ये करूँगा, इसके बाद गेस व्हाट, कुछ लोगों ने सही गेस किया है भाई, थोड़ा जिम का सेशन होना चाहिए। अभी भी ATP कुलबुला आ रहा है अंदर।